हेलो इंजीनियर्स, दिस ओवर साथी। तो आज आपके लाए हैं एक गेम कंसोल, जो गेम कंसोल आप अलग अलग गेम इस पर खेल सकते हैं। जैसे कि हम लोग अलग अलग डीबीडी लगा के पहले अलग अलग गेम खेलते थे, उसी प्रकार से इस पर आप अलग अलग पेनड्राइव लगा के अलग अलग गेम को खेल सकते हैं। और वो पेनड्राइव हम लोग खुद घर पे भी बना सकते हैं और गेम कंसोल भी हम लोग घर पे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आसानी से अलग अलग गेम खेलने वाला कंसोल बना सकते हैं बहुत ही इजी से। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, PCB डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। तो देखा आपने किस प्रकार से एक सर्किट को हम लोग बना सकते हैं, मतलब गेम को हम लोग, गेम का जो कंसोल है इसको हम लोग बना सकते हैं। अभी अलग अलग कैसेट जो है वो हम लोग बनाएंगे। तो अभी चलिए अलग अलग कैसेट को पहले बनाते हैं, उसके बाद इस कैसेट पर किस प्रकार से हम लोग प्रोग्रामिंग अपलोड कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहले हम लोग कैसेट को बनाते हैं, मतलब पेनड्राइव को बनाते हैं। ATIN 85 माइक्रोकंट्रोलर को प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक आर्डिनो नैनो लेना होगा। आप कोई भी आर्डिनो ले सकते हैं, सिर्फ इसका पिन डायग्राम को कनेक्ट करना होगा ठीक से। डिजिटल पिन 10 नंबर का कॉमन नाम है SS, उसके बाद डिजिटल पिन 11 नंबर का है MOSI और डिजिटल पिन 12 नंबर का नाम है MISO और वैसे ही डिजिटल पिन 13 नंबर का नाम है SCK। इस तरह ATIN 85 का कॉमन नाम है, यहाँ पे 8 नंबर जो है वो BCC, 7 नंबर है SCK, 6 नंबर है MISO और 5 नंबर है MOSI। और इस तरफ हम लोग देख सकते हैं ग्राउंड और SS, तो इन पिनों को एक साथ कनेक्शन करना होगा। लेकिन इससे पहले हम लोगों को आर्डिनो के अंदर एक प्रोग्राम डालना होगा, इसके बाद ATIN पे कनेक्शन करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग आर्डिनो पे जाएंगे, एग्जाम्पल पे जाएंगे, जाने के बाद आर्डिनो ISP का जो प्रोग्राम है इसको हम लोग अपलोड कर देंगे। तो इसका पिन का डायग्राम यहाँ पे लिखा है और इसको जस्ट अपलोड कर देंगे इसके अंदर। तो इस पे अपलोड होने के बाद हम लोग इसको कंप्लीट होने के बाद ये जो ATIN है इसको हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। करने के बाद इसका पिन का डायग्राम हम लोग सेट करेंगे जैसे जैसे हमने बोला है। तो इस तरह हम लोग इसका कनेक्शन करके उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड का कनेक्शन करेंगे ग्राउंड पे, और पॉजिटिव का कनेक्शन हम लोग पॉजिटिव पे कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसका जो वायर है इसको कनेक्शन करके हम लोगों को एक 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लेना होगा, क्योंकि इसका जो प्रोग्राम है इसके अंदर डालने के लिए ठीक है। तो इसको हम लोग रीसेट और ग्राउंड पे सेट कर देंगे, ताकि जो प्रोग्राम अभी अपलोड करेंगे वो प्रोग्राम आर्डिनो खुद ATIN पे पास कर देगा वो प्रोग्राम। तो अभी हम लोग जाएंगे फाइल पे जाएंगे, उसके बाद प्रेफरेंसेस में जाएंगे। तो प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं एक लिंक हमने इस पे डाल दिया। आपके पास ये लिंक नहीं होगा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो इसको कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद जब भी ओके हो जाएगा तो आपको जाना होगा टूल्स पे जाके बोर्ड पे जाना होगा। तो बोर्ड पे जाने के बाद बोर्ड्स मैनेजर पे जाना होगा। तो यहाँ पे आने के बाद ये पेज खुल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होगा ATIN। लिखेंगे, लिखने के बाद ये आ जाएगा, पहले आप लोगों को ये नहीं आएगा। तो फाइल पे जाके जो कॉपी हमने किया है उसको पेस्ट करें तभी ये आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसको हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। तो मैंने पहले ही इंस्टॉल कर दिया, तो इंस्टॉल करके क्लोज कर देंगे। क्लोज होने के बाद तो हम लोग ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं ये प्रोग्राम हम लोग अपलोड करेंगे। तो इसको अपलोड करने के लिए हम लोगों को
पहले बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो टूल्स पे जाने के बाद बोर्ड पे जाना होगा। यहाँ पे आप लोगों को नीचे मिल जाएगा 8010 25 45 85, इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद उसके बाद फिर से जाएंगे, देखिए यहाँ पे बोर्ड आ गया है 8010 25 45 85। तो अभी प्रोसेसर पे जाएंगे, इस पर हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, 8010 हम लोग जो भी माइक्रोकंट्रोलर लगाया है, तो मैंने लगाया है 8010 85, तो 85 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से टूल्स पे जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे क्लॉक देख रहे हैं आप लोगों को, क्लॉक हम लोग सेट करेंगे 1 MHz पे, हम लोग इसको अपलोड करेंगे। इस पर क्लिक कर दिया, फिर से टूल्स पे जाएंगे, जाने के बाद पोर्ट सिलेक्ट करेंगे, प्रोग्रामर पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे आर्डिनो SASP, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको अपलोड करेंगे, तो ये प्रोग्राम अपलोड होगा, आर्डिनो खुद नहीं लेगा, तो आर्डिनो इस प्रोग्राम को पास करके 8085 पे पास कर देगा। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कि सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो ये एक गेम कंसोल है, ठीक है। तो इस पर हम लोग अलग अलग कैसेट लगा के, मतलब पेन ड्राइव लगा के हम लोग अलग अलग गेम खेल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अभी ब्लैंक है, इसको ऑन करने पर भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ये टोटली ब्लैंक है। तो इस पर पहले एक गेम हम लोग इस पर लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए एक गेम हमने इस पर लगा दिया है। अभी इसको ऑन करेंगे तो ये जो कि फ्रॉग वाला एक गेम इस पे आ गया है। तो देखा आपने, ये गेम आप आसानी से इस पे खेल सकते हैं। तो इस तरह हम लोग एक गेम एक ही कैसेट की मदद से हम लोग कर सकते हैं। और इसका अभी बंद करते हैं। तो अभी देखिए दूसरा जो कि पेनड्राइव हम लगाएंगे, जो कि गेम का ही एक पेनड्राइव है, ये दूसरा गेम है, यहाँ पे ऑन करेंगे तो ये दूसरा स्पेस अटैक वाला अलग से एक आ गया है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग आसानी से जो कि कोई भी गेम हम लोग बना सकते हैं। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप बहुत सारे गेम, अलग अलग गेम आपको मिल जाएगा, अलग अलग पेनड्राइव बना के आप अलग अलग गेम को यूज कर सकते हैं एक ही गेम कंसोल पे। तो इस तरह हम लोग इस गेम को हम लोग खेल सकते हैं, ठीक है। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से हम लोग घर पे एक गेम कंसोल बना सकते हैं और अलग अलग कैसेट भी बना सकते हैं। और इसका जो प्रोग्रामिंग और सर्किट डायग्राम आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतने, थैंक यू दोस्तों, बाय।